गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम उलानबतार। तो आज मेरा सातवां या आठवां दिन है उलानबतार में, आठवां दिन है और ये दूसरा वीडियो है। एक्चुअली तबीयत ख़राब होने की वजह से ना भाई मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, और आगे भी ट्रैवल करना है तो मैं नहीं चाहता कि भाई फालतू में तबीयत ख़राब हो और बाहर घूमूँ और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। बिकॉज यहाँ की मेडिसिन है ना उलानबतार में, मतलब मंगोलिया में दवाइयाँ इतनी कुछ खास नहीं है आप लोगों की, ज़्यादा काम नहीं करेंगी। तो अगर कभी भी मंगोलिया आओ ना, रिकमेंड करूँगा भाई इंडिया से दवाइयाँ लेके आना जो कि काम भी करेंगी। यहाँ की दवाइयाँ 1% काम नहीं करती तो थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी अभी मैं आज यहाँ से ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ, मुझे टिकट देखना है। मैं बिकॉज अगली जो कंट्री होने वाली है अपनी रशिया होने वाली है, तो मैं टिकट का चेक करने जा रहा हूँ कि मेरे को टिकट कल का मिलता है कि नहीं। बिकॉज़ कल मुझे मेरा वीज़ा मिल जाएगा 27 तारीख को, तो अगर मुझे कल मेरा वीज़ा मिल जाता है तो हम लोग कल ही निकल जाएंगे। बाकी मैं मंगोलिया में ज़्यादा कुछ ट्रैवल नहीं कर पाया। मेरा पहले इरादा था कि यार मंगोलिया से बाहर जाएंगे, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से भाई बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं है मेरा। बाकी आप लोग कुछ व्यू देख लो, सिटी का कुछ इस तरीके से दिखता है। जो उलानबतार सिटी है ना, वो पूरी माउंटेन के चारों तरफ से घिरी हुई है। और अगर आप लोगों को पता होगा, गोबी डेजर्ट जो है वो दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा डेजर्ट है। और ये अंकल देखो यहाँ पे साफ सफाई करे। हेलो, ये अंकल यहाँ पे क्या बर्फ वगैरह हटा रहा है। तो आप लोग सोचते हो कि भाई जो बर्फीली कंट्रीज हैं वो बहुत ईजी होती होंगी, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों की। अभी अंकल सारा दिन यहाँ पे काम करेगा, बर्फ़ हटाएगा, और यही इनका काम है यार। बर्फ़ पड़ती है, लोग बर्फ़ हटाते हैं। बिकॉज बर्फ़ नहीं हटाए तो ये जो बर्फ़ है ये थोड़ा सा अगर टेम्परेचर ये पिघलने लग जाएगी और पानी के फॉर्म में क्रिएट होगी तो लोग स्लिप करेंगे, गाड़ियां स्लिप करेगी। तो यही एक रीज़न है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है यार, मतलब धूप निकल रही है तो थोड़ा बहुत तो अच्छा ही लग रहा है। बस अभी निकलते हैं। और ये जो आप लोग मेरे सामने PDB बैंक देख रहे हो, जो कि मंगोलिया का काफ़ी बड़ा बैंक है। तो गाइज अभी यहाँ पे उलानबतार का ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गया। आपको गजब की चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सेल्फ टिकट भी आप लोग कर सकते हो। तो ये सबसे कमाल की चीज़ मुझे यहाँ पे लगी। चलो यार यहाँ पे इंटरनेट में इन्होंने क्या अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है, देखो UBTZ.local करके ये वेबसाइट। यहाँ पे आप लोग कुछ भी जहाँ पे जाना है ना, ये देखो यहाँ पे आप लोग चूज़ कर सकते हो, और ये जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वो चूज़ कर सकते हो, और फिर यहाँ पे आप लोग डेट चूज़ कर सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे सर्च करोगे ना, ये यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनें दिखा देगा, और यहाँ पे आप लोगों को सब ट्रेनों का प्राइस दिखा देगा, और यहाँ पे आप लोग अपने कार्ड से पे कर सकते हो। और या फिर अगर आपके पास जैसे अपने इंडिया में फ़ोन पे वगैरह चलता है, UPI चलता है, तो यहाँ पे UPI स्कैन करवा सकते हो और यहाँ से आपकी जो टिकट है वो आ जाएगी। तो अच्छा लगा मुझे यार, यहाँ पे भी ऑनलाइन सिस्टम है और इन्होंने गाइडेंस भी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है कि आप लोग ऑनलाइन टिकट कैसे बुक कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी डिजिटल चीज़ें चल रही है। यहाँ पे आप लोगों को 4 से 5 मशीनें मिल जाएंगी, और जस्ट साथ में आप लोगों को यहाँ पे शायद ATM मशीन है मेरे हिसाब से। हाँ, ATM मशीन है जहाँ पे आप लोग अपने यहाँ पे ऑनलाइन सोशल पे चलता है शायद ऑनलाइन, इसमें अपना कैश वगैरह डाल सकते हो। बाकी मैं टिकट करवा लेता हूँ यार एक बार। बाकी आप लोगों को टिकट का दिखाता हूँ, मैं यहाँ से उलानबतार से सुखबतार जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दिन में 2 ही ट्रेनें चलती है, कि सुबह मॉर्निंग में 10:30 चलती है और एक शाम को 8:30 चलती है, जो कि सुबह 5:30 पहुँच जाती है। बाकी टिकट प्राइस आप लोगों के सामने यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेन भी चलती है उलानबतार से इरकुत्स्क के लिए, लेकिन टिकट जो है बहुत एक्सपेंसिव है, कि अराउंड मेरे हिसाब से $120 के आसपास होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इरकुत्स्क से उलानबतार के लिए भी आती है, और उलानबतार से अरलियान के लिए भी ट्रेन जाती है, जो कि चाइना में है, चाइना का लास्ट टाउन है अरलियान। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली चाइना भी जा सकते हो, और रशिया जाना चाहते हो तो रशिया भी जा सकते हो। बाकी मैं टिकट बुक करवा लेता हूँ भाई यहाँ पे आंटी से। तो गाइस ये अपन ने टिकट ले लिया अपनी, कल ट्रेन है यहाँ पे 8:30 जाएगी, तो मॉर्निंग में 5:30 हम लोगों को सुखबतार पहुँचा देगी, जो कि मंगोलिया का लास्ट टाउन है, जो कि काफ़ी बड़ा टाउन है, मंगोलिया का लास्ट टाउन है जिसका नाम है सुखबतार। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग अगले दिन से देख रहे हो, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मंगोलिया को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। यहाँ से उलानबतार से मेरी ट्रेन है, ओवरनाइट ट्रेन है, हम यहाँ से सुखबतार जाएंगे और सुखबतार से हम लोग बस पकड़ के रशिया में एंट्री ले लेंगे। तो अभी आज तो मेरी ट्रेन है, अभी यहाँ से सीधा
ट्रेन स्टेशन जा रहा हूँ जो कि 8:30 बजे लीव होगी। आप लोगों को मैंने शेड्यूल दिखाया था उलान बतार से सुख बतार के लिए दिन में 2 ट्रेनें जाती है, डेली जाती है, एक सुबह 10:30 बजे जाती है और एक शाम को 8:30 बजे जाती है। तो मंगोलिया में ज़्यादा कुछ वीडियोस नहीं बनाए, पहली बात तो तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और पता नहीं यार, हकीकत बताओ ना तो वीडियो बनाने में मज़ा भी नहीं आ रहा ज़्यादा मेरे को। एक तो आप लोगों का रिस्पॉन्स ढंग से नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, और रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो एक वो मोटिवेशन होता है ना वो पूरा चले जाता है। देखो यार, मैं पहले भी अपने Q&A में बता चुका हूँ और दोबारा मैं बोल रहा हूँ भाई, जिस हिसाब से मुझे व्यूज़ आते हैं ना YouTube से, मुझे घंटा भी नहीं मिलता और YouTube के भरोसे तो होली मेरी ट्रैवल। तो ठीक है यार, क्या ही बोलूँ, कभी कभी मन करता है बहुत बहुत कुछ बोलूँ, पर ठीक है यार, जैसा है सही है, जो भी है बढ़िया चल रहा है। बाकी न्यू ईयर से मैं कोशिश करूँगा, अगर हमारे चैनल पर ढंग से रेगुलर व्यूज़ आने लगे तो मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूँगा, अदरवाइज मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा, लेकिन ट्रैवल स्टॉप नहीं करूँगा। हाँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली है भाई, अगर चैनल पे रेगुलर व्यूज़ नहीं आए ना तो मैं ट्रैवल कंटिन्यूस करूँगा। ट्रैवल तो मैं जब तक पूरे देश ख़त्म नहीं कर देता ना तब तक मैं ट्रैवल करता नहीं रुकूँगा, बस ये वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, बिकॉज बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है ट्रैवल करो, वीडियो बनाओ आप लोगों के लिए, एडिट करो तो बहुत पीछे बहुत एफर्ट्स रहते हैं, मतलब सुबह से लेके शाम तक आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करो और उसके बाद में वीडियो को एडिट करो और फिर वीडियो को डालो, तो बहुत मशक्क़त होती है भाई। ये नहीं है मुँह उठा के, और आप जैसे लोग आते हैं बहुत सारे, तुम्हारा ये वो फलाना ढिमकाना 10 बातें बोलते हैं, तो मन तो करता है भाई पकड़ के सालों को गालियाँ दूँ, पर ठीक है। अभी तो चलते हैं ट्रेन स्टेशन और उसके बाद में आगे की ट्रेन जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप लोग देख रहे हो मंगोलिया का ट्रैफिक, भाई साहब इतना बुरा हाल है ना मंगोलिया के ट्रैफिक का, बिकॉज जब तुम्हारी कंट्री की 55% पॉपुलेशन जब यहीं पे रहेगी तो यही हाल रहेगा, तो यही रीज़न है मैंने यहाँ पे लोकल बस नहीं ली। एक्चुअली 2 किलोमीटर दूर है ट्रेन स्टेशन हॉस्टल से जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ की बसों में क्या अंदर गर्मी रहती है बाहर ठंडी रहती है, तो मुझे क्या वॉमिटिंग का काफ़ी इशू रहता है, इस वजह से मैं बस नहीं ले रहा, यहाँ से वॉक करके निकल जाएंगे, 2 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, चल लेंगे वॉक। बाकी ये सामने जो आप मेरे कोयले के इंजन देख रहे हो, तो पहले यूज़ किए जाते थे, भाई साहब यहाँ के ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, सही बता रहा हूँ गाइस। मंगोलिया में आओ ना तो भाई बंदा पैदल ही चल ले यहाँ आपकी बजाय, तो आपको 2 किलोमीटर कम से कम 1 घंटे में ले जाके पहुँचाएगी बस, ये हाल है यहाँ पे। और मेरे को वॉक करके जाऊंगा ना तो मेरे को हार्डली 35 मिनट लगेंगे, हार्डली 30 या 35 मिनट, उतने में तो मैं पहुंच जाऊंगा, शरीर में गर्मी आएगी वो अलग। तो गाइस अभी एक स्टोर पे आया था तो यहाँ पे कुछ खाने वाने के लिए लेना था, तो आप लोगों को कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को रोटियाँ भी मिल जाएंगी तवे पर रख के सिक जाएंगी, तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी रोटी है, यहाँ पर 2 हाथ की रोटियाँ हैं ये, और यहाँ पर आप लोगों को छोटी रोटियाँ मिल जाएंगी, और देख लो स्प्रिंग रोल शीट, हाँ ये सारी की सारी रोटियाँ आप लोगों को अलग अलग वैरायटीज़ की, और यहाँ पे जितने भी सोया सॉस रहते हैं ना और जितने भी चिली सॉस रहते हैं, गार्लिक चिली सब यहाँ पे मिल जाएंगे भाई साहब। लेकिन मैं तो क्या, ये वेजिटेरियन नूडल्स हैं, कोरियन आई थिंक, यहाँ पे मैक्सिमम जो सामान है वो कोरियन ही है, तो ख़रीदते हैं और चलते हैं भाई। तो गाइस फाइनली अपन ट्रेन स्टेशन पहुँच गए हैं, लेकिन मंगोलिया में देख लो भाई, ट्रेन स्टेशन में आप लोग आराम से ईजिली जा सकते हो, ये देखो मैं मंगोलिया के ट्रेन स्टेशन पे घूम रहा हूँ। ये चीज़ मुझे अभी तक ना सिर्फ यहीं पे देखने को मिली है, चाइना में आप लोग प्लेटफॉर्म पे एंटर भी नहीं कर सकते थे, सेम रशिया में भी आप लोग एंटर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे आप लोग एंटर कर सकते हो। बाकी ये देख लो भाई, यहाँ के कैपिटल का ट्रेन स्टेशन है, ये काफ़ी छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा ट्रेन स्टेशन नहीं है, देखो ऊपर लिखा हुआ उलान बतार, और अभी टाइम हो रहा है 7:15, बाप रे, रेस्टोरेंट भी अंदर भाई, ड्यूटी फ्री भी है, और नाइस टू सी यू भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मंगोलिया की ब्रांड है, 7-Eleven की तरह है, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा नाइस टू सी यू देखने को मिल जाएगा, उधर की साइड क्रिसमस ट्री देखने को मिल जाएगा, तो अभी
अंदर चलते हैं भाई, अपने को अंदर वेटांग हॉल में बैठना है रे बाबा। बॉटांग, वेर इज बॉटांग हॉल। तो गाइज अपनी ट्रेन आ गई है, देख लो भाई ये उलान बतार से सुखबतार तक जाएगी। तो ये अपनी ट्रेन टिकट है और खाने वाने का सामान ले लिया था। देखो ऊपर आप लोगों को धुआं दिख रहा होगा, ये अंदर कोयला जला रखा ताकि ट्रेन को अंदर गर्म रखा जाए। आप लोगों को हर डिब्बे में देखने को मिल रहा होगा कोयला जला रखा है। तो देखते हैं भाई, ये 21 नंबर, अपना 21 नंबर कोच है। तो ये भैया से पूछते हैं भाई, सर इन्हीं का रहा है ना, आरो इन बिशो और ओके नहीं था का रहा है तो तोर से तेरी नीचे उग क्या उग दे। तो भाई ट्रेन में घुस गया अंदर, बड़ी गर्मी है, अच्छा लग रहा है। जो भी है लोग दिखा देता हूँ, ये जो ट्रेन है थोड़ी सी डिफरेंस है, जिससे मैं आया था ना वो थोड़ा सा कोच अलग था, आई डोंट नो वो कैबिन वाला था, और ये शायद थर्ड क्लास है, जिसमें मैं आया था वो सेकंड क्लास था। तो आप लोगों को यहाँ पे कैबिन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इधर उधर दो सीटें देखने को मिल जाएंगी, और इधर की साइड में शायद एक सीट या नीचे भी होती है, और यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, बाकी कर्टन मिल जाएंगे। और अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो भाई साहब ट्रेन खड़ी है, थोड़ी देर बाद देखना ये पूरा अंदर से बर्फ 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 हो जाएगा, हम बर्फ की वादियों में से निकलने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, जो भी है जैसा भी है बहुत सही लग रहा है। गाइस फाइनली वी अराइव्ड इन रशिया। मैं बीच में बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड कर पाया भाई साहब, मतलब हर जगह चेक पॉइंट बना रखे थे, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिला मेरे को रिकॉर्ड करने का। तो अभी मैं उलान उड़े पहुँचा हूँ, और उलान उड़े से अभी मेरे को इरकुत्स्क के लिए जाना है। बाकी इमिग्रेशन का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, इमिग्रेशन काफ़ी स्मूथ था, मतलब इतना कोई मेरे को परेशान नहीं किया। हाँ ये है कि वो रशियन इमिग्रेशन वाले क्या अपने पासपोर्ट को काफ़ी देर तक चेक करते हैं, और फिर उन्होंने जो मेरे पास इन्विटेशन लेटर था उसको वेरीफिकेशन के लिए कहीं पर कॉल किया। तो हालांकि उन्होंने मेरे को बोला कि साइड में 5 मिनट खड़े हो जाए, स्टैंप तो पहले ही लगा दिया था, लेकिन उनको वेरीफाई करना था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि साइड में खड़े हो जा। तो 5-1 मिनट बाद उन्होंने बोला कि ये लो तुम्हारा पासपोर्ट, पासपोर्ट दे के मेरे को फ्री कर दिया। बाकी जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन पूछे, कहाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, और कहाँ कहाँ का प्लान है, तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछे थे। बाकी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी, बहुत ईजी है। बाकी आप लोग उलान उड़े सिटी दिखा देता हूँ, ये देखो भाई ये उलान उड़े सिटी है। बाकी ये जो लाल कलर की बस है, इस बस से मैं आया था। अभी यहाँ से मुझे देखना ट्रेन स्टेशन कितनी दूर है, तो ट्रेन स्टेशन का थोड़ा देखना पड़ेगा, और मेरे को सिम कार्ड भी लेनी है, सिम कार्ड भी। और हमारा जो स्वागत हुआ है भाई स्नोफॉल के साथ हुआ है, अभी तो हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, हल्की हल्की स्नोफॉल आप लोगों को दिख रही होगी, हल्की हल्की, पता नहीं कैमरे में दिख रही है कि नहीं, बट यहाँ पे दिखाता हूँ, इन टोपियों के ऊपर आप लोगों को स्नोफॉल दिख रही होगी, मतलब स्नोफॉल गिर रही है। सही है, यही टोपी है मेरे पास, अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी मुझे ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है। तो पहले ट्रेन स्टेशन ढूंढते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों आप लोग ये जो मेरे सामने ट्रेन स्टेशन देख रहे हो, ये उलान उदे का ट्रेन स्टेशन है। तो अभी अपन लोग ये ब्रिज का यूज़ करके ट्रेन स्टेशन के पहले प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे लगता है हॉस्टल भी है, ये देखो हॉस्टल लिखा हुआ, सामने भी हॉस्टल लिखा हुआ। बाकी मेरा कोई रुकने का प्लान नहीं है भाई, यहाँ पे हम लोग ओवरनाइट ट्रेन लेंगे, जो कि आज का तो हमारा पैसा बचेगा। अगर अभी भी ऐसा ट्रेन है एक यहाँ से, तो हम लोग 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास इरकुत्स्क पहुँच जाएंगे, तो रात का बड़ा लफड़ा लगता है यार मुझे। तो आराम से रात को 1:30 बजे ट्रेन है, उससे निकलेंगे, तो रात का सोने का पैसा बचेगा, सोते सोते जाएंगे जो अलग। आप देखो गाइस सिटी कितनी खूबसूरत दिख रही है, ये कोई मालगाड़ी आ रही है, और सिटी का नज़ारा देखो भाई, मेरे को तो ठंड है ना 1% फील ही नहीं हो रही कि ठंड भी पड़ रही है। अच्छा लग रहा है यार, बहुत सही लग रहा है। मतलब उलान उदे का जो ट्रेन स्टेशन है वो काफ़ी बड़ा है, मैं सोच रहा था छोटा मोटा होगा, बट छोटा नहीं है भाई, काफ़ी बड़ा ट्रेन स्टेशन है ये। भाई साहब मस्त व्यू आ रहा है कि नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा।
पूरा दिन है ना मैंने अपने इस ट्रेन स्टेशन पे निकाल दिया, मेरे को अराउंड यहाँ पे 7 घंटे हो गए हैं। तो ये जो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ और यहीं पे बैठा हूँ, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड किया, एक भी वीडियो एडिट नहीं किया। मैं सोचा था यार यहाँ पे वीडियो एडिट कर लूँगा, बट यहाँ पे वीडियो एडिट करने का मन ही नहीं कर रहा था, तो कल कर लूँगा। तू बोल ले पहले। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़े बहुत रेस्ट करूँगा, बिकॉज मेरी ट्रेन है 9:55 पे, तो 1 घंटे के बाद में थोड़ा सा मैं फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, फिर बाहर जाके मेरे को पानी की बोतल ख़रीदनी है और थोड़ा बहुत खाने वाने के लिए ख़रीदना। वैसे तो मैं है मेरे पास, मैंने खा लिया, पर थोड़ा बहुत और ख़रीद लेंगे तो कल काम आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं इरकुत्स, और वहाँ पे हम लोग 3 से 4 दिन स्पेंड करने वाले हैं। लेक ऑफ बाइकाल भी विजिट करेंगे, देखते कहाँ कहाँ जाना, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बाहर का नज़ारा देख लो भाई, अभी मैं थोड़ा पानी वानी लेने के लिए आया हूँ, अंदर तो पानी है नहीं, गर्म पानी भी नहीं है, तो मेरे को लगा पानी खरीदना चाहिए। बाकी आज देख लो 28 तारीख हो रही है, चांद देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है भाई, बहुत खूबसूरत दिख रहा है चांद। मेरे को ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है एक्चुअली, यहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्री है, लेकिन मेरे को ऐसा 1% ही फील नहीं हो रहा कि भाई ठंड वंड है। मैं सुबह आया था तब भी मुझे फील नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, ठंड तो बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही थी, और अभी भी ठंड बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। बाकी यहाँ पे आप लोगों को लोकल बसेस वगैरह मिल जाएंगी, और नीचे की साइड क्या है, अगर आपको इरकुत्स जाना है तो इरकुत्स के लिए यहाँ से डायरेक्टली बसें भी जाती है, तो मुझे जाना नहीं था बस में, इस वजह से मैंने बस ली नहीं, तो ट्रेन लिया। ट्रेन मेरे को पड़ी थी 2000 रूबल की, जो कि अपने इंडिया के 1900 रुपये के आसपास होते हैं। बाकी मौसम बहुत साफ है भाई, आप लोग खुद देख लो, वो सामने शॉप दिख रही है आपको, वहाँ से लेके आऊँगा, वहीं से मैंने दिन में ब्रेड वगैरह लिया था। तो अभी हमारी ट्रेन को 1 घंटा है, तो 1 घंटे में हम लोग सामान लेके वापस आ जाएंगे। ये 361 नंबर जो हमारी ट्रेन है, वो सामने एक ट्रेन है उससे अटैच होएगी और तब जाके चलेगी, मतलब यहाँ पे इस ट्रेन का 1 घंटे के आसपास का स्टॉपेज है, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है। ये जो ट्रेन आप लोग मेरे सामने देख रहे हो, ये जाएगी इरकुत्स, और रशियन जो ट्रेनें हैं उनका डब्बों का कुछ हाल इस तरीके से आप लोग दिखता है, बहुत लाइक नीट एंड क्लीन रहती है। अगर आप लोग वहीं मंगोलिया की या फिर कजाकिस्तान की ट्रेनें देखोगे, वो बहुत पुरानी पुरानी सी लगती है, और बुड्ढा सा कलर लगता है उनका, जो ग्रीन ग्रीन सा कलर दे रखा है ना, वो बहुत बुड्ढा बुड्ढा टाइप का लगता है। लेकिन यहाँ पर रशियन ट्रेन का कलर आप लोगों को काफ़ी कमाल का दिखेगा। और इधर देखो नीचे भाई, सब कुछ जैम हो रखा है, बिकॉज ठंडी इतनी पड़ रही है, तो ये लोग क्या होता है, ये इनके जो टायर होते हैं ना, वो जैम हो जाते हैं, तो इनमें ये लोग गर्म पानी डाल डाल के इनको चालू रखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मैं ट्रेन आगे दिखाता, ट्रेन के दूसरी साइड में है ना नीचे, जैसे अपने ठंडे पानी के वो पाइपलाइन लगे होते हैं ना, यहाँ पर गर्म पानी के पाइपलाइन गड़े हुए हैं, तो वो सारे पाइपलाइन के जो पानी है वो इनकी टायरों में डालते हैं, ताकि बर्फ़ जो है वो पिघल जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग भाई, पानी लेकर कुछ पहुंच गए, यहाँ पे तो स्नोफॉल हो रही है, ये देखो ऊपर गिर रही है मेरे स्नोफॉल। इरकुत्स में मेरा ये दूसरी बार होने वाला है एक्चुअली, इस ट्रिप में मैं चीज़ें रिपीट ही करने वाला हूँ, मैं कोई न्यू जगह नहीं जाने वाला। इरकुत्स रुकेंगे, फिर यहाँ से अपन लोग इरकुत्स जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे, फिर का फिर देखेंगे। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्नोफॉल, भाई तगड़ी वाली स्नोफॉल हो रही है, अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा कोई ठंडी है नहीं, नॉर्मल सी ठंडी है। ये देखो भाई स्नोफॉल हो रही है, आप लोग दिख नहीं रही होगी स्नोफॉल, लेकिन हो रही है स्नोफॉल। बाकी हम लोग इरकुत्स पहुंच गए भाई, ये देख लो इरकुत्स ट्रेन स्टेशन है ये। गाइस यहाँ पे खतरनाक वाली स्नोफॉल हो रही है भाई साहब, बाकी ये ट्रंप चलती है यहाँ पे रोड के ऊपर, और ये कुछ ट्रेन स्टेशन है जो कि बाहर से ऐसा दिखता है। अच्छा लग रहा है जो भी है, अब तो बस हॉस्टल पहुँच जाऊँ भाई।